हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। कल के वीडियो में हमने सृजन पुस्तक के जो पहला पार्ट है संतवाणी, उसमें कबीर जी के दो दोहों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम अगले दो दोहों का अध्ययन इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, अभिमान मतलब होता है अहंकार, सुखी भया सब जीव, भावे, भावे मतलब चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे ही निज पीव। पीव मतलब हृदय, निज मतलब अपना, पीव मतलब परमात्मा। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। हम बोर्ड एग्जाम के तरीके से इसको देख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि इसे प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो किस प्रकार से करेंगे? तो सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग में हम शुरुआत कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अध्याय एक संतवाणी से लिया गया, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं, इसका जिक्र करेंगे। फिर उसके बाद इसमें इस दोहे में मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है उसके बारे में बताएंगे कि प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बताया गया। इस दोहे में क्या बताया गया? प्रिय परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बताया गया है। अब शुरू करेंगे हम व्याख्या। व्याख्या किस प्रकार से करेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि सभी जीव या प्राणी अपने अहंकार को त्यागने के बाद सुखी हो जाते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। कि सभी जीव सुखी हो जाएंगे कब? छोड़े जब अभिमान को, जब वे अपने अभिमान को अर्थात अहंकार को त्याग देंगे तो सभी जीव सुखी हो जाएंगे, ऐसा कबीर जी कह रहे हैं। कि कबीर जी कहते हैं कि सभी जीव या प्राणी अपने अहंकार को त्यागने के बाद सुखी हो जाते हैं। जब तक अहंकार हमारे अंदर है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। जिस दिन हम अपने अहंकार को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, उस दिन हम सुखी हो जाएंगे। आगे कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे। देखो, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पी, चाहे कोई कुछ भी कहे, परंतु उस स्थिति में, किस स्थिति में? जब मैं अहंकार त्याग देता हूं, उस स्थिति में, अहंकार त्यागने की स्थिति में, मेरे हृदय में, मेरे ही निज पीव, मेरे हृदय में अपने प्रिय परमात्मा, अपने प्रिय परमात्मा की आनंददायक अनुभूति होती है। कब? जब मैं अहंकार को त्याग देता हूं, तब मेरे हृदय में मुझे अपने प्रिय परमात्मा की आनंददायक अनुभूति प्राप्त होती है, अर्थात आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। अंत में विशेष लिखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 4 नंबर का प्रश्न होता है, 1+2+1 के अकॉर्डिंग इसमें अंक विभाजित किए जाते हैं। 1 नंबर का प्रसंग होता है, 2 नंबर की व्याख्या होती है, और 1 नंबर का विशेष होता है। तो विशेष में हम लिखेंगे, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है, अहंकार का त्याग करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, यह संदेश दिया गया है। जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते और आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट है विशेष में, भाषा सहज व सरल है। कबीर जी की भाषा के बारे में और भी लिख सकते हैं, जैसे सदुखड़ी भाषा या पंचमल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरा है, कोई कछु कहे में अनुप्रास अलंकार है। देखो, कोई कछु कहे, कह 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 की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये है तीसरा दोहा। अब हम देखते हैं अगला दोहा है चौथा, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। प्रसंग उसी प्रकार से आ जाएगा कि कहां से ली गई पंक्तियां और इसके रचयिता कौन है। अब मुख्य बात है वो यहाँ पे बताया गया कि इसमें साधु की वेशभूषा की अपेक्षा उसके ज्ञान को महत्व देने के लिए कहा गया है। साधु की वेशभूषा की तरफ ध्यान न देकर हमें उसके ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, क्योंकि साधु ज्ञान के लिए महत्व रखता है। साधु में ज्ञान की बातें देखनी चाहिए, ना कि उसकी वेशभूषा या उसकी जाति के बारे में हमें पूछना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार से होगी, कबीर जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति मत पूछो, उसकी जाति मत पूछो, उससे तो ज्ञान की बातें पूछो, क्योंकि साधु की पहचान उसके ज्ञान से होती है। जैसे तलवार खरीद, देखो दूसरी पंक्ति में दृष्टांत दिया गया है इसको स्पष्ट करने के लिए, पहली पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति में दृष्टांत उदाहरण दिया गया है कि जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। कि जिस प्रकार से हम तलवार के धार को देखकर उसका मोल भाव करते हैं, तलवार की धार को देखकर उसका मोल भाव करते हैं, ना कि उसकी म्यान की सुंदरता को देखकर उसका मोल भाव किया जाता है, क्योंकि युद्ध के समय तलवार काम में आती है, ना कि म्यान। तो जिस प्रकार से हम तलवार के धार को देखकर उसका मोल भाव करते हैं, उसी प्रकार हमें साधु से उसकी जाति न पूछकर उससे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए।
जैसे तलवार खरीदते समय हमें तलवार की धार को देखकर उसका मोल भाव करना चाहिए, न कि उस मयान की सुंदरता को देखकर जिसमें तलवार रखी जाती है। क्यों? क्योंकि युद्ध के समय में तलवार काम में आती है, ना कि मयान या मयान की सुंदरता काम में नहीं आती है। इसलिए कबीर जी कह रहे हैं कि हमें किसी की जाति से मतलब नहीं रहना चाहिए, हमें उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। और विशेष बात में पहला है जातिवाद पर व्यंग किया गया कबीर जी के द्वारा। दूसरा, भाषा सरल वैशाली उपदेशात्मक का उपदेश दिया है। तीसरा है अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अंत्यानुप्रास अंत में होता है ज्ञान और म्यान में। चौथा, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है। इस प्रकार से हम ये कर देंगे इसका विशेष। दो पॉइंट कम से कम हो सकते हैं, बाकी आपको जितना आता है, लेकिन वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।